अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग घरदारी विच होई। तो जी, जैसे कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी 2.5 महीने से तकरीबन हमारा कोई व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा मसरूफियात। और लेकिन आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था कि हमारा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, उसके बावजूद आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और हौसला टूटने नहीं दिया हमारा। तो फिर फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई व्लॉग बना दूं। पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी फेरी वालों की, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें कम्प्लीटली। तो मज़ीद बातें शतें तो होती रहेंगी जी बाद में, लेकिन आज का जो व्लॉग है हमारा वो होने जा रहा है एक अनबॉक्सिंग। तो लॉर्ड्स शॉप आपने ना देखा होगा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, ये लोग डिमांड करते हैं कि ये किलो में या वेइंग लेवल के ऊपर ना, वेट के अकॉर्डिंग ये अपना मेकअप प्रोडक्ट्स स्पेशली ब्रशेज़, मेकअप ब्रशेज़ सेल करते हैं। तो मैंने जी मंगाया था इनका 1 किलो ब्रशेस का पैक, जो था मुझे कॉस्ट हुआ 1889 समथिंग, यानी 1900 के राउंड अबाउट। इसको फिर अनबॉक्स करते हैं। वैसे तो मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही थी कि मैं देखूँ इसमें आखिर है क्या। सबसे पहले जी इसकी हम पैकेजिंग की तरफ चलते हैं। आप देख लें इसका भी बॉक्स है, बस यही इसका बॉक्स था, ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आपने लेना हो तो यही वेबसाइट है इनकी। आप लोगों से दोबारा से खोल लेते हैं। तो ये देखें आप, एक शॉपर है, पैकेजिंग शॉपर, ये प्लास्टिक रैप में, और ये सारे मेकअप ब्रशेज़ आए हैं। अब वन बाय वन मैं आपको सारे मेकअप ब्रशेज़ दिखाती हूँ। ये हैं जी सारे मेकअप ब्रशेज़। मैं तो वैसे सेटिस्फाई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग परचेज़ करते हैं बाज़ार से जाके, क्योंकि मैंने ख़रीदे हैं पहले भी, तो वो महंगे पड़ते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये एक मर्मेड ब्रश है। आप लोग इसका ब्रश चेक करें, कितना फ़ाइन है, बहुत मज़े का, और इंतहाई सॉफ्ट है, इंतहाई सॉफ्ट। तो ये तो 10/10 है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले ब्रश की तरफ, ये आप ब्रश देख सकते हैं, ये भी 10/10 है। आई शेडो ब्रशेज ज़्यादा है इसके अंदर, और बड़े ये पाउडर के लिए ब्रश है, इसके लिए भी 10/10 है, परफेक्ट है। सॉफ्ट, इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बाजार से ऐसे में ब्रशेज़ नहीं मिलते। अच्छा जी, ये एक और ब्रश है, ये भी 10/10 ही है, स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। यही ब्रशेज़ अगर हम लोग बाजार से लेने जाते हैं तो ये महंगे पड़ते हैं। वन मोर ब्रश, ये आई शेडो ब्रश लग रहा है, देखे उसे कितने मज़े के, ओह माय गॉड। ये ब्रशेज़ दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ से, तो दोनों सेम है, और लेकिन इसकी साइड पे कुछ भी नहीं है, और इसकी साइड पे एक और ब्रश, डबल साइड एक ब्रश, एक है जी ये मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी, ये जब यूज़ करना है तो इसको खोल लें, और जब आपने यूज़ नहीं करना है इसको बंद कर लें। नाइस, स्टील बॉडी है, और ये ब्रश भी बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। चेक, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द अदर ब्रशेज, यहाँ से थोड़ा सा ना है शायद, इसकी गम लगी हुई है या बराबर, अलबत्त इसके भी ना जो ब्रिस्टल्स हैं ना वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छा है। दो ब्रशेज़ थे जिनके लिहाज से मुझे लगा कि इनको थोड़ी सी ना कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिमिंग वगैरह की करनी पड़ेगी, बाकी ब्रशेज़ 10/10 है। अच्छा, यूज़ बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि जो ब्रशेज़ यूज़ होते हैं ना उनका पता चल जाता होता है, उन पर कोई ना कोई प्रोडक्ट्स लगी होती हैं। ये था मुझे जो लगा कि इसको थोड़ी सी ना ट्रिमिंग की ज़रूरत पेश आएगी, ये पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये देखें इसको ज़रूरत है ट्रिमिंग की। खैर, इतना तो घर में भी यूज़ कर करके हो जाता है, अगर इसको साइड पे कर देते हैं, अगर इतने सारे अच्छे ब्रशेज में से एक बुरा निकल गया है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा ठीक है, आईलाइनर ब्रश कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये भी, और एक ये ब्रश था जिसको मुझे लगा कि थोड़ी सी इसको भी ट्रिमिंग की ज़रूरत है। फिर एक और मर्मेड ब्रश है, पहले वाला जो मर्मेड ब्रश था वो थोड़ा सा इस तरह का था, गोल गुलाई में, ये फिर आईलाइनर का या कंटूरिंग करनी है उसके लिए आ जाता है। ठीक है जी, हमारे पास एक ब्रो ब्रश। अच्छा, मैं छोटी थी ना मुझे लगता था ये टेढ़ा हो गया शायद, अब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि नहीं, ब्रो ब्रश ऐसे ही होते हैं। आईलाइनर ब्रश इतना ज़्यादा बारीक नहीं है, हो सकता है गीला होने के बाद आईलाइनर जब इस पर अप्लाई हो जाए तो ये बारीक हो जाए। अब एक बड़ा ब्रश आ गया, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मज़े का बहुत। उस्मान मेरे पीछे से आपको शोर आ रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर करें। अच्छा, इनके ऊपर ब्रांड्स के नाम भी लिखे हुए हैं। ये फिर एज यूजुअल एक ब्रश जो तकरीबन हर बॉक्स में ही होता है। यहाँ पे जी एक और हमारे पास आईलाइनर या आई शेडो ब्रश या आँखों के ज़्यादा ब्रशेज हैं। ये ब्रश मुझे बहुत प्यारा लगा, इसकी जो स्टिक है ना बहुत मज़े की है, इसको होल्डिंग के लिए भी, जो पर्पस के लिए बनाया हुआ है, बहुत मज़े का। बाकी ये ब्रशेज की बात मैं बार बार मेंशन नहीं कर रही क्योंकि अजीब लग रहा है, लेकिन बाकी बहुत अच्छे हैं। ये एक हाईलाइटर ब्रश,
करीब से देखें आप इसको, इसकी भी हल्की फुल्की ट्रिमिंग की ज़रूरत है। नाइस। ये मेरा फेवरेट ब्रश है। अच्छा अच्छा खासा हैवी है ये, बड़ा ही मज़े का है ये, चेक करें आप। मेरा ख्याल है अगर 1800 में आपको इतने ब्रशेस मिल रहे हैं तो ये फ़ायदेमंद ही है, ये आईलाइनर के लिए यूज़ होगा। एक और कंटूरिंग आईलाइनर या ब्रो ब्रश, जो भी इसको आप कहना चाहें। अच्छा इस ब्रश का पर्पस मुझे समझ नहीं आया, शायद ये ना वो कोई भी फेस पैक या ब्लीचिंग ब्रश है शायद। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। एक ये सॉफ्ट ब्रश है जिसके आगे पफ लगा होता है। अदर आई ब्रश, ये शायद लिपस्टिक ब्रश है, आई ब्रश है शायद, मुझे इतना नहीं पता होगा। आप लोगों को ज़्यादा पता हो तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं नामों से। और आप लोगों ने मुझे ये लाजमी बताना है कि ये फायदेमंद डील है कि नहीं 1800 में। ये सारे ब्रशेस क्वालिटी आपके सामने है। ये भी ना स्पंज टाइप है, इस पता नहीं इसका क्या पर्पस होगा, खैर मुझे इसके समय ऐसा नहीं है। ये मुझे सेम लगे हैं, एक ब्रश है और एक ये ब्रश है। तो जी ये मैंने ऑर्गेनाइज़र में थोड़े से ऑर्गेनाइज़ किए हैं सारे के सारे ब्रशेस, देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि 1800 में अगर आपका यकदम से इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइज़र भर सकता है तो इससे बेहतर कोई डील नहीं है। बाज़ार से ऐसे ब्रश लेने जाए ना तो अकेला इस तरह का ब्रश, क्योंकि मैंने पता किया था, 400-500 से कम नहीं मिलता। बहुत बेस्ट ब्रश है ये। चले जी फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। कोई और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि इन्होंने अपने ना बॉक्स के अंदर मुझे ये भेजा था कार्ड, और इसके अंदर उन्होंने मुझे मेंशन किया मैं आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एक और परचेज पे, इसके बाद जो भी मैं परचेज़ करूँगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सारे ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, वर्थ इट, मुझे लगा पैसे ज़ाया नहीं हुए। आप लोगों ने भी अगर मंगवाने हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।